ठीक है, लड़ाई थी, नहीं जीत पाए पहली बार में, 15 लाख लोग बैठे थे, हम अकेले ही तो ना ऐसे हैं दोबारा तैयारी कर रहे हैं, 15 लाख में से केवल 15 लाख में से केवल 1 लाख सेलेक्ट हुए, 15 लाख में से सारे कॉलेज में ला के केवल 1 लाख सेलेक्ट हुए, बाकी 14 लाख बच्चे दोबारा तैयारी करी गए, और दोबारा तैयारी करने में क्या प्रॉब्लम, कोई गुनाह थोड़ा ना किया था, ठीक है कोशिश करी नहीं हुआ, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, फाइट तुम्हारी दोबारा फाइट मार रहे हैं, और इस बार और बेहतर मारेंगे फाइट, हो सकता है कहीं हुई कमी रह गई हो, उस कमी को दूर करेंगे और बेहतर फाइट मारेंगे, है ना। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग 11th 12th पास कर चुके हैं, तो आप लोग हैं बड़े बच्चे, आपका मानसिक विकास हो चुका है, मानसिक विकास क्या होता है, मतलब आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, आपका दिमाग डेवलप्ड स्टेट में है, अब जब डेवलप्ड स्टेट में आपका दिमाग है ना बच्चों, तो इस डेवलपमेंट का जो कंसीक्वेंस है, यानी कि डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो ये होना चाहिए, स्पेशली केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, कि आप छोटे बच्चों की तरह एनसीईआरटी के हर एक लाइन के पीछे नहीं भागेंगे। लॉन्चिंग के टाइम सर्वे सर ने भी ये कहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से बहुत दूर रहना है ना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब आप लोग नहीं ढूंढेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन के पीछे आप लोग नहीं भागेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन के पीछे आप लोग नहीं भागेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब आप लोग नहीं ढूंढेंगे, आपको जो पढ़ाया जाएगा उस पर आप फोकस करेंगे, जो आपको बताया जाएगा उस पर आप फोकस करेंगे, जो आपको समझाया जाएगा उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है, आपके जो बेसिक्स हिले हुए हैं उन बेसिक्स को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, केमिस्ट्री में जो बेसिक्स आपके हिले हुए हैं उनको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, और उन बेसिक्स को रिपेयर करेंगे हम लोग, और रिपेयर करके दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन 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 स्पेशली उन लोगों को जो लोग यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और यहाँ पर आके ड्रॉपर बैच लेके बैठे हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उनको 1 साल में 2 साल का सिलेबस मिल जाए, या वो जल्द इस बैच में, जो खास बात है वो ये है कि ये बैच नीट से पहले ही शुरू हो रहा है, आप लोग इसको नीट से पहले ही शुरू कर रहे हैं, नीट से पहले ही आप लोग क्लास में एडमिशन ले लिए, है ना। अब इस बात के दो परसेप्शन है, जो जनरल परसेप्शन है, जो एज अ स्टूडेंट आपका परसेप्शन होता है या आपके यार दोस्तों का परसेप्शन होता है, वो ये होता है कि यार नीट तो दे लेता कम से कम एक बार नीट तो देकर देख लेता कितने नंबर आ रहे हैं, तो नीट से पहले ही हिम्मत आ गया, नीट तक की कोशिश तो करता कम से कम। लेकिन मेरा परसेप्शन ये बोलता है यार कि ठीक है, हम समझदार इसलिए क्योंकि हमें इस बात की समझ थी कि शायद हमारी तैयारी में या हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई है, या हम उतने अच्छे से तैयार नहीं कर पाए अभी, है ना, उतने अच्छे से हम तैयार नहीं कर पाए अभी, इसलिए हमें 1 साल और लगना है और इस साल अपनी कमियों को दूर करके पेपर दोबारा से देना है, ठीक है। तो इस साल अपना फोकस रखिए अपनी कमियों को दूर करने पर, पहली बात तो ये, ठीक है ना, इस साल अपनी कोशिश रखिए कि आप अपनी कमियों को दूर करें, जो कमियां तैयारी में रह गई थी उन कमियों को आप लोग दूर करें, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चा ड्रॉप करता है, जब आप लोग ड्रॉप करते हैं, एक तो होता है फ्रेशर बच्चा जो 11th 12th में तैयारी करता है, ठीक है, फिर एक बच्चा वो होता है जो 12th पास कर लेता है, जो आप हैं, जब आप लोग जिनको ड्रॉपर्स बोलते हैं, रिपीटर्स बोलते हैं, तो जब आप लोग ड्रॉप करते हैं, है ना, तो ड्रॉप करने पे क्या होता है, ड्रॉप करने पे बहुत एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ड्रॉपर बच्चों के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, और 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना होता है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, फैमिली ज्यादा परेशान होती है कि अरे 12th पास कर दिया, 1 साल खराब कर रहे हो, कुछ लोगों का फर्स्ट ड्रॉप की जगह सेकंड ड्रॉप भी होगा कि भाई तुम 1 साल तो पहले ही ड्रॉप ले चुके हो, इस बार तो सिलेक्शन ले ही लेना है ना, बहुत सारा प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली का प्रेशर हो गया, यार दोस्तों का प्रेशर हो गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो गए होते हैं, यार दोस्त होते हैं जो अपने सर्किल में सेलेक्ट हो गए होते हैं, उनके घर वालों उनका प्रेशर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार आपको किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना, किसी भी तरह का प्रेशर आपको नहीं लेना,